गुड मॉर्निंग सी बी एस ई एंड सी आई एस ई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिजी लॉकर यूज़ नहीं करने आता है, मतलब डिजी लॉकर अगर आपने यूज़ नहीं किया है, तो आपको मैं सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, उसे चेक कर लीजिए और डिजी लॉकर का आप डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे यूज़ करेंगे डिजी लॉकर का, आप पासिंग सर्टिफिकेट और अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट को देखने के लिए स्टूडेंट्स ये वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, डिजी लॉकर टाइप कीजिए, डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट, डिजी लॉकर को जैसे आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, या तो मोबाइल नंबर से या आधार कार्ड नंबर से। अगर आप आधार कार्ड नंबर यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना कि आपका आधार कार्ड का नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आप मोबाइल नंबर यूज़ कीजिए। तो मोबाइल नंबर यूज़ करने से आपको 6 डिजिट का पासवर्ड आ जाएगा, वो आप OTP आएगा, वो OTP आप डालिए और आप डिजी लॉकर में रजिस्टर हो जाएंगे। डिजी लॉकर में स्टूडेंट देखिए काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, आपको एजुकेशन सेक्शन में जाना है, उसमें CBSE का भी रिजल्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, और सबसे लास्ट में देखें CISE का भी है। तो आप जो भी स्टूडेंट CBSE के स्टूडेंट्स, तो CBSE को क्लिक करेंगे, अगर CISE के स्टूडेंट्स हैं CISE को क्लिक करेंगे। स्टूडेंट अगर आपने CBSE को क्लिक किया है तो आपको अपना रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग इंटर करना है एंड देन गेट इट योर रिजल्ट। अगर आप CISE के स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स, तो आपको UID नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग और फिर इंडेक्स नंबर, तो आपका फिर सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप अपना रिजल्ट डिजी लॉकर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।